नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपकी क्लास 9th से लगाकर क्लास 12th की इंग्लिश को हमारे चैनल के माध्यम से कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी वीडियोस डाले हैं उन वीडियोस को यदि आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपके डू एज डायरेक्टेड एग्ज़ाम में आते हैं, और डू एज डायरेक्टेड जो आते हैं वो आपके सेक्शन सी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका एक वीडियो मैं सुबह डाल चुका हूँ, वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ग्रामर फॉर ऑल के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें भी इसको देख सकते हैं, तथा न्यू क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो उसके लिए मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, ये नंबर आप नोट करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स रिलेटिव क्लासमेट्स के पास इन वीडियोज़ को शेयर करें ताकि वह भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके और अपने डाउट्स क्लियर कर सके। तो नंबर है 9589661967। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, 16वें क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, सम पीपल आर रिच दे आर नॉट हैप्पी, कंबाइंड द टू सेंटेंसेस यूजिंग ए सुटेबल कंजंक्शन। मतलब इन दोनों वाक्यों को एक उचित कंजंक्शन से जोड़ना है। तो कंजंक्शन क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, बट है, एंड है, ठीक है, बोथ है, बट एंड, इस प्रकार के जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं ये कंजंक्शन कहलाते हैं। तो हमें थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों का अर्थ क्या हो रहा है। जैसे कुछ लोग अमीर होते हैं, वे खुश नहीं होते हैं, तो इसको हम यूँ कह सकते हैं कि कुछ लोग अमीर होते हैं परंतु वह खुश नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किंतु परंतु का अर्थ निकल रहा है बट से, तो इसका आंसर हो जाएगा सम पीपल आर रिच बट दे आर नॉट हैप्पी। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, द बॉय इज माई कजिन, ही इज़ वियरिंग अ रेड शर्ट, कंबाइंड द सेंटेंसेस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज का इसमें यूज़ करना है। अब रिलेटिव क्लॉज होती क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं, कई बार वो रिलेटिव क्लॉज के स्थान पर एडजेक्टिव क्लॉज का भी बोल देते हैं, मीन्स दोनों एक ही है। अब रिलेटिव क्लॉज की हम बात करें तो जो रिलेटिव क्लॉज होती है उसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, जैसे हु है और विच है। जनरली आपकी क्लास 9th से लगाकर 12th तक इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है क्लॉज से रिलेटेड। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यदि लिविंग थिंग हो सब्जेक्ट, मतलब सजीव हो, तो हु का प्रयोग करते हैं, और नॉन लिविंग हो मीन्स निर्जीव हो, तो विच का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं, जैसे द बॉय इज माई कजिन, ही इज वियरिंग अ रेड शर्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा द बॉय हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट इज माई ब्रदर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इज माई कजिन, ब्रदर नहीं आएगा, इज माई कजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 है, इन दिस मैनी बुक आर देयर पेजेस हाउ, और क्वेश्चन मार्क, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इन शब्दों को सही क्रम में अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, मतलब सही क्रम में जमाना है, तो ये आ जाएगा हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सी कैन नॉट अफोर्ड इट, सी बाइस ए कार, कंबाइंड द टू सेंटेंसेस यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लॉज। नॉन फाइनाइट क्लॉज से इसको जोड़ना है, तो नॉन फाइनाइट क्लॉज में हम टू का प्रयोग करते हैं, और टू के जस्ट बाद में फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ कार, सी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ कार। ओके, टू बाय अ कार है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 है, रोहित इज सो टाल दैट ही कैन नॉट सिट हियर। अब इसमें टू और टू का प्रयोग करना है। देखिए हमारे चैनल के माध्यम से आपकी क्लास 9th से लगाकर क्लास 12th तक की इंग्लिश के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी भी ग्रामर के टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक को मैंने सोल्व करके ग्रामर फॉर ऑल के नाम से जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस को डाल दिया है। तो वो वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, जैसे उसमें टू और टू का प्रयोग भी दिया गया है। ठीक है, तो उसमें हमने बताया है कि जहाँ पर सो दिया हुआ रहता है वहाँ टी डब्लू ओ टू लगाते हैं, जहाँ पर दैट दिया गया है वहाँ टी ओ टू लगाते हैं, तथा यदि सेंटेंस में दिया गया है
सेंटेंस रोहित इज सो टाल दैट ही कैन नॉट सिट हेयर, और उस टू के बाद में फिर हम वाक्य में यदि ही कैन नॉट, सी कैन नॉट, आई कैन नॉट दिया जाता है तो हम उसको भी हम हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा रोहित इज टू टाल टू सिट हियर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज सो कॉल्ड दैट नो वन कैन गो आउट। टू और टू का प्रयोग करना है, तो जिस प्रकार से इस सेंटेंस में हमने सो के स्थान पर टी डब्ल्यू टू लगाया था, दैट के स्थान पर टी ओ टू लगाया था और ही कैन नॉट हटा दिया था, उसी प्रकार से इसमें भी हटेगा। तो सो के स्थान पर टी डब्ल्यू टू लगा दीजिए, दैट के स्थान पर टू लगा दीजिए और नो वन कैन इसको भी आपको हटाना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट। ओके दोस्तों, किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, तो अगला क्वेश्चन है माई नेम इज महेश, फ्रेम ए क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका हमें क्वेश्चन बनाना है कि इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूट टाइप क्वेश्चन मुझे लग रहा है, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इसका क्या बन सकता है, व्हाट इज माय नेम इज बन सकता है, व्हाट इज योर नेम बन सकता है। ठीक है, बहुत से बन सकते हैं। यदि यहाँ पर ऐसा दिया हुआ रहता है कि मेक ए क्वेश्चन विथ व्हाट, मेक ए क्वेश्चन विथ व्हाई, इस प्रकार का रहता है तो हम उस हिसाब से इसको बना देते, तो इसको हम इससे डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई सा भी बना सकते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम बना दोगे तो भी आपका आंसर सही रहेगा, व्हाट इज माय नेम इज। ओके, व्हाट इज माय नेम इज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये भी बना दोगे तो भी सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। जैसे मेटल लीड इज देन अदर एनी हैवियर। ठीक है, तो इसमें रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब इन शब्दों को सही क्रम में जमाना है। तो देखिए, इसमें मैं आपको कुछ कीवर्ड बता देता हूँ। जैसे इसमें दिया गया है टी एच एन देन दिया गया है, हेवियर दिया गया है, तो टी एच एन देन का प्रयोग जो होता है कॉम्परेटिव डिग्री में होता है, और कॉम्परेटिव डिग्री यहाँ पर दी गई है हेवियर। फिर उसके बाद में सबसे पहला शब्द कौन सा लिखे हैं, तो देखिए जितने भी शब्द दिए गए हैं इन शब्दों में एक ही शब्द ऐसा है जिसमें कैपिटल लेटर है, मतलब कैपिटल लेटर जो है वो वाक्य की शुरुआत में आता है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे मेटल, फिर उसमें हेल्पिंग, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो मेटल इज। ठीक है, माफ कीजिए, हाँ फिर से एक बार और थोड़ा सा इसको देखते हैं, फिर से इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, लीड मेटल इज हैवियर देन एनी अदर। ठीक है, देन एनी अदर, या फिर इसका यूं भी लिख सकते हैं, ये फाइनल मैं आपको बता रहा हूँ कि लीड इज द लीड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। देखिए, ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन रहते हैं वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, आई शेल डू दिस वर्क। इसका वॉइस चेंज करना है, वॉइस मीन्स इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो होगा दिस वर्क विल बी डन बाय मी। ठीक है दोस्तों, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, ग्रामर फॉर ऑल के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको वो मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, तो क्वेश्चन नंबर 25 है, ही रोट ए लेटर। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस होगा अ लेटर वाज रिटन बाय अस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, तो अगला क्वेश्चन है वी विल लिव, वी फिनिश अवर वर्क, कंबाइंड द टू सेंटेंस यूजिंग एज सुन एज। एज सुन एज का अर्थ होता है जैसे ही, तो जैसे ही हमने काम खत्म किया, हम काम खत्म करते हैं हम जाएंगे। तो
तो जैसे ही कहाँ फिट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एज सून एज वी फिनिश आवर वर्क वी विल लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, द प्यून हैड स्लेप्ट ऑन ड्यूटी ही वॉज टायर्ड, कंबाइंड द सेंटेंस यूजिंग सुटेबल कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन का प्रयोग करना है, जैसे बिकॉज हो जाएगा, है ना, जैसे चपरासी ड्यूटी के दौरान सो गया क्योंकि वह थका हुआ था, तो दोनों वाक्यों के बीच में हमें किसका प्रयोग करना है, बिकॉज का प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन है, एज सून एज मोहन गोट मनी ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन, नो सूनर देन का प्रयोग करना है। तो नो सूनर देन का भी एक स्पेशल वीडियो हमने बनाया हुआ है ना, और उसके एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन भी हमने करवाए हैं, तो वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब हमने रूल क्या बताया है कि वाक्य में जहाँ पर एज सून एज दिया हुआ रहता है वहाँ पर नो सूनर लगा देते हैं, नो सूनर के जस्ट बाद में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और वो हेल्पिंग वर्ब आती है वर्ब के अनुसार। तो पहले तो इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए कि यहाँ आएगा एज सून एज मोहन गेट्स, माफ कीजिएगा, गोट, सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्ब के अनुसार नो सूनर के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, तो एज सून एज के स्थान पर आप लगा दीजिए नो सूनर, नो सूनर इसके बाद में फिर आएगा डिड। अब डिड क्यों आया है, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फिर उसके बाद में मोहन, अब सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी, गेट मनी और दोनों वाक्यों के बीच में देन, यहाँ पर कॉमा है, देन ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, तो आई हैव 2000 रुपीज, फ्रेम ए क्वेश्चन यूजिंग हाउ मैनी। ठीक है, तो मेरे पास 2000 रुपये हैं, मेरे पास 2000 रुपये हैं, इसका आपको क्वेश्चन बनाना है, वो भी हाउ मैनी से। तो हाउ मैनी मतलब होता है कितने या कितना। ठीक है, तो मेरे पास कितने पैसे हैं, तो हम बोलेंगे हाउ मैनी रुपीज आई हैव। ओके, हाउ मेनी रुपीज आई हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, तो क्वेश्चन नंबर 30 है, सूरज शट द डोर चेंज नेगेटिव, इसका नकारात्मक बनाना है, तो इसका नकारात्मक होगा सूरज डिड नॉट शट द डोर। अगला क्वेश्चन है, आवर टीम वॉन द मैच चेंज इन टू पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा Our team has won the match. Past perfect, माफ कीजिएगा, had won आएगा, had won the match. Past perfect में helping verb had लगती है और verb की third form. अगला question है, she hit the keys, change the voice. तो the keys was hidden. डबल डी ई एन, हिडन बाय हर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी इज मेड बाय हिम, इसको चेंज द वॉइस करना है, तो बाय हिम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है, अब पैसिव वॉइस से इसको हम एक्टिव वॉइस करेंगे, तो एक्टिव वॉइस करेंगे तो रिवर्स जाएंगे, मतलब ये देखो इज लगा हुआ है, मतलब दिया गया जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का होगा, और है ना, फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो यहाँ पर देखिए हिम जो है ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ही। अब ही मेड सेकंड फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, मतलब थर्ड फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ही मेक्स, अब एस क्यों लगा, क्योंकि सिंगुलर है, तो ही मेक्स टी। ओके, ये इसका एक्टिव वॉइस होगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है डू इट बिफोर यू फगट। ठीक है, तो फाइंड आउट द एडवर्ब क्लॉज, अब एडवर्ब क्लॉज क्या है मैं आपको बता देता हूँ, क्लॉज जो होती है कोई सी भी क्लॉज हो, है ना, एडवर्ब क्लॉज हो, एडजेक्टिव क्लॉज हो, नाउन क्लॉज हो, जो भी क्लॉज होती है वह क्लॉज किसी ना किसी कंजंक्शन से उसकी स्टार्टिंग होती है, तो डू इट बिफोर यू फगेट, तो बिफोर यू फगेट ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, आई वॉश माई हैंड वेन द टेलीफोन रिंग, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट।
देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेन लिखा हुआ है। वेन मतलब दिया गया सेंटेंस जो है पास्ट टेंस का है, तो क्या आएगा, आई वॉश्ड माई हैंड वेन, सॉरी इसमें वेन दिया गया है, तो ये जो सेंटेंस रहेगा इस सेंटेंस का आंसर मैं थोड़ा सा कंफर्म करके बताऊंगा, है ना, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा डिस्प्यूट टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। आपको यदि इसका आंसर कंफर्म पता है तो आप भी कमेंट्स करके बता सकते हैं, बाकी मैं आपको थोड़ा सा इसको कंफर्म करके बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो ये दिया गया है नाउन क्लोज रिलेटेड, देखते हैं क्या दिया गया है। ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम, अंडरलाइन द नाउन क्लोज, नाउन क्लोज कौन सी उसको अंडरलाइन करना है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि चाहे नाउन क्लोज हो, एडजेक्टिव क्लोज हो या एडवर्ब क्लोज हो, नाउन जो क्लोज जो होती है कोई सी भी हो, वो किसी कंजंक्शन से उसकी स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पर देखो दो सेंटेंस दिए गए, ही रिप्लाइड उसने उत्तर दिया, दैट ही वुड कम, तो दैट से इसकी शुरुआत हो रही है, तो ये जो है ये नाउन क्लोज है। अभी जल्दी ही मैं क्लोज के वीडियोज आपके लिए प्रोवाइड करूंगा, तो आपकी ये समस्या भी पूरी दूर हो जाएगी, है ना। बाकी आप सिर्फ अभी इतना ध्यान रखिए कि नाउन क्लोज हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, कोई सी भी क्लोज हो, तो वो जो क्लोज होती है उसकी शुरुआत होती है किसी भी कंजंक्शन से, जैसे दैट से हो सकती है, बिकॉज से हो सकती है, किसी से भी। अगला है सी इज वॉचिंग अ मूवी, चेंज द वॉइस। तो सेंटेंस जब कंटिन्यूस टेंस हो, तो जब हम पैसिव वॉइस करें तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में बी ई आई एन जी बींग का प्रयोग होता है, तो ये हो जाएगा अ मूवी इज बींग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉच्ड बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे हैड कंप्लीटेड देयर टास्क, चेंज द वॉइस। तो देयर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय देम। ओके, अगला क्वेश्चन है मोना इज राइटिंग ए लेटर, इंट्रोगेटिव करना है, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो इज मोना राइटिंग ए लेटर। अगला है सी डज हर होमवर्क डेली, इंट्रोगेटिव करना है। तो इस प्रकार के सेंटेंस मैं पहले ही करवा चुका हूँ और उनके वीडियोज भी मैं डाल चुका हूँ, ऐसे किस प्रकार के सेंटेंस जिसमें पहले ही डू डिड या डज दिया जाए और उसको इंट्रोगेटिव करना हो तो कैसे करेंगे, या फिर ऐसे सेंटेंस जिसमें पहले से डू डिड या डज दिया जाए और उसको नेगेटिव करना हो तो कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पर हमें इंट्रोगेटिव करना है, तो इंट्रोगेटिव क्या होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, शॉर्टकट में आपको बताता हूँ, जब भी कोई ऐसा सेंटेंस दिया जाए जिसमें डू डिड या डज ऑलरेडी दिया जाए और इंट्रोगेटिव करना हो, तो जो दिया गया है उसको आगे रख दें और उसके स्थान पर डू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डज सी, और इस डज के स्थान पर डू हर होमवर्क डेली और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, साथ ही आपके फ्रेंड्स रिलेटिव क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वह भी अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएं। ठीक है, और परीक्षा से संबंधित उपयोगी मटेरियल हम आपके लिए ऐसे ही लेकर आएंगे। अब दूसरी जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा कि हमारे चैनल के माध्यम से जो जो भी चीज़ें हमने प्रोवाइड की हैं, चाहे वो कोरोना वायरस का ऐसे हो, ठीक है, या प्रीपोजिशन हो, कंजंक्शन हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन हो, तो उन सभी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।